अमेरिका में हिंदुओं ने शुरू की दास प्रथा। सैकड़ों दलितों को मंदिर में बनाया बंधुआ मजदूर। अमेरिका का इतिहास गुलामी का सबसे क्रूरतम इतिहास रहा है, लेकिन काली चमड़ी के गुलामों के साथ अमेरिका में जो होता आया है आज वो एक कानूनन अपराध है। अमरीकियों ने दास प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन भारत से गए कुछ सवर्ण ब्राह्मणों ने एक बार फिर से अमेरिका में गुलाम प्रथा को शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उनके गुलाम काली चमड़ी के अमेरिकी अफ्रीकी लोग नहीं, बल्कि भारत के दलित लोग हैं। जी हाँ, अमेरिका के न्यू जर्सी में सैकड़ों दलित मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे गुलामी कराने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक न्यू जर्सी में बन रहे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में करीब 200 दलित मजदूरों को महीनों से बंधक बनाकर रखा गया था। मजदूरों ने जो आपबीती सुनाई उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अमेरिका की नेवार्क जिला अदालत में 5 मजदूरों ने केस दायर किया है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बेहतर काम का लालच देकर भारत से न्यू जर्सी लाया गया था। BAPA संस्था जिसने भारत समेत दुनिया भर में अक्षरधाम मंदिर बनाए हैं, वो मजदूरों को अच्छे पैसे का लालच देकर लाई थी। लेकिन यहां लाकर सबसे पहले तो मजदूरों के पासपोर्ट छीन लिए गए। मजदूरों को चार दीवारी में बंधक बना लिया गया। हफ्ते के 7 दिन उनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता और उसकी एवज में महज $1 प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाती, जबकि न्यू जर्सी में 1 घंटे काम करने के बदले $12 मजदूरी का कानून है। लेकिन BAPS ने मंदिर बनवाने के नाम पर भारतीय दलित मजदूरों से जमकर बेगारी कराई। यही नहीं, मजदूरों पर गार्ड बाकायदा पहरा देते थे और कैमरों से उनकी निगरानी की जाती थी। कुल मिलाकर दलित मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखा गया था। मजदूरों का आरोप है कि मंदिर के लोग उन्हें कीड़ा कहकर बुलाते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। पिछले कई सालों से उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। अमेरिका के हालिया इतिहास में गुलामी प्रथा का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका में गुलामी प्रथा पर पूरी तरह से रोक है और जिम क्रो जैसे कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन सवर्ण ब्राह्मण वहां जाकर भी दलितों को गुलाम बनाने जैसी घटिया हरकत से बाज नहीं आए। खबर सामने आने के बाद FBI ने मंदिर पर छापा मारा और कोर्ट के आदेश पर मंदिर को सीज कर दिया। फिलहाल BAPS मंदिर के खिलाफ अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है। BAPS के लिए बचना नामुमकिन है, क्योंकि भारत में तो नरेंद्र मोदी समेत तमाम हिंदू नेता उनके सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन अमेरिका में उनकी कोई औकात नहीं। वहां कानून का राज है और BAPS अब नहीं बच पाएगा। हैरानी की बात तो ये भी है कि इतनी बड़ी खबर को अमरीकी मीडिया तो प्रमुखता से दिखा रहा है, लेकिन भारतीय मनुवादी मीडिया को सांप सूंघ गया। इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और देश की बदनामी करने वाले सवर्ण ब्राह्मणों की करतूतों पर मनुस्ट्रीम मीडिया चुप्पी साध कर बैठ गया है। लेकिन जो मनुवादी चैनल नहीं दिखाते, उसे द न्यूज बीक जरूर दिखाता है। सड़ी गली मानसिकता वाले सवर्ण ब्राह्मणों की करतूतों को बेपर्दा करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के बारे में बाबा साहब कहते थे, ये हिंदू लोग बीमार हैं और ये दुनिया में जहां जाएंगे वहां बीमारी फैलाएंगे। कोरोना वायरस की तरह जातिवाद का वायरस भी इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।